वेलकम बैक स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सिंपलीफाई करते हैं सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अगर उसके हमें रूट्स गिवन है तो हम उनको कैसे चेक करते हैं कि वो आपके रूट्स हैं या नहीं है या फिर अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई अननोन गिवन है तो हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टू नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं सो बेसिकली फॉर सिंप्लीफाइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव थ्री मैथड हमारे पास थ्री मैथड होते हैं फर्स्ट वन मैथड इज फैक्टराइजेशन मैथड सेकेंड वन मैथड इज क्वाड्रेटिक फॉमूला एंड थर्ड वन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर सो वन बाई वन हम सारे मैथड को स्टडी करेंगे सो बेसिकली टुडे वी विल फोकस ओनली ऑन फैक्टराइजेशन मैथड स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया है उस फैक्ट्राइजेशन को हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूटिलाइज़ करेंगे और मोस्टली आपके जो इस चैप्टर्स में बर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी हम फैक्ट्राइजेशन मेथड की हेल्प से सिम्पलीफाई कर सकते हैं सो हेयर वी हैव सम एग्जांपल्स उसके बाद हम एक बर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे सो एस वी हैव गिवन फर्स्ट वन एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको गिवन है यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर सो दैट इज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एलेवेन एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इस प्रॉब्लम को सिम्प्लीफाई करने के लिए आप यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लॉजिक यूज़ करेंगे सो मिडिल टर्म इस्पलिट में हम यहाँ पर ट्रिक क्या यूज़ करते हैं फर्स्ट वन वी विल मल्टीप्लाई द एक्स स्क्वायर कोफिस कॉन्स्टेंट टर्म सो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का कोई फीसेंट है सिक्स और आपका जो कॉन्सटेंट टर्म है दैट इज थ्री सो so, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कम्स आउट 18। अब हम यहाँ पर 18 का फैक्टर करते हैं और 18 के फैक्टर का यूज़ करके हम यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं सो so, अगर हमने यहाँ पर 18 के फैक्टर किए सो फर्स्ट वन फैक्टर तो आपका यही हो जाएगा सिक्स इंटू थ्री अनोदर फैक्टर यहाँ पर आपका एटीन का पॉसिबल है दैट इज़ गिवन एज़ नाइन इंटू टू सो अगर हमने यहाँ पर एक और फैक्टर uh, इसका कंसिडर करा जिसका मल्टीप्लाई एटीन होता है नाइन टू टू सो हम यहाँ पर अगर नाइन टू टू को ऐड करते हैं तो अगर हम नाइन और टू को ऐड करेंगे सो दैट कैन बी गिवन एज़ इलेवन ये आपका यहाँ पर इलेवन हो जाएगा सो so, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज़ डिफाइंड एज़ सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पर हमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना कॉमन आ जाएगा 3x एक्स सो थ्री अगर हमने यहाँ पर कॉमन लिया सो दैट कैन बी रिटर्न एज 2x एक्स प्लस थ्री यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से आपका वन कॉमन आ जाएगा सो दैट कैन बी रिटर्न एज 2x एक्स प्लस थ्री सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आपके टू टर्म फॉर्म हो रहे हैं फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो दोनों टर्म में आपका यहाँ पर ये देखिए टू एक्स प्लस थ्री ये आपका टू एक्स प्लस थ्री दोनों में कॉमन है सो so इसको हम कॉमन ले लेंगे सो दैट कैन बी रिटर्न एज टू एक्स प्लस थ्री ये आपका कॉमन आ गया और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म से आपका यहाँ पर रह जाएगा थ्री एक्स और सेकेंड टर्म से यहाँ पर बचेगा आपका वन सो so, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड कर लिए नाउ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द रूट्स सो हेयर इफ वी कैलकुलेट तो यहाँ से आपके एक्स के टू वैल्यूज़ आ जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू and from second factor x is equal to minus of वन over थ्री so इस तरीके से हमने यहाँ पर इस given equation के proofs obtain कर लिए Now students one more important thing is that कि आप यहाँ पर कोई भी form given हो आपको first सबसे पहले तो हम उसको एक standard quadratic equation में convert करेंगे then only we can apply the factorization method। जैसे अगर हम यहाँ पर second example देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जैसे यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेवन एक्स माइनस टेन सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो आपका इक्वेशन यहाँ पर गिवन है दैट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सो दैट कैन बी रिटर्न एज थ्री एक्स स्क्वायर इलेवन एक्स को अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे सो दैट इज़ प्लस ऑफ इलेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो अगेन हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे सो इसके लिए हम सेम लॉजिक यूज करेंगे यहाँ पर देखिए आपके जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है दैट इज़ थ्री और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज़ टेन तो टेन थ्री सा दैट इज गिवन एज थर्टी सो अब हम यहाँ पर थर्टी के टू फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका एडिशन आपका इलेवन होगा so here we can directly write it 6 and 5 so 6 or 5 ko agar aap multiply karenge that will obtain 30 or 6 or 5 aapka 11 ho jayega so here we can write it 3x square plus of 6x plus of 5x plus 10 is equal to 0 यहाँ पर देखिए आपके इन दोनों term में आपका कॉमन आ जाएगा

इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके फैक्टर ऑप्टेन कर लिए हैं नाउ सिंपली वी कैन राइट इट हम यहाँ पर इसके जब रूट्स फाइंड करेंगे सो so एक्स का फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड सेकेंड वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव ओवर थ्री सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए थर्ड वन एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो इक्वेशन आपको गिवन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सुन देखिए थर्ड वन पार्ट कैसे करेंगे दैट इज गिवन एज 16 ओवर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन ओवर एक्स प्लस वन ना फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर आपको एक और कंडीशन गिवन है दैट एक्स आपका यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा और माइनस वन के इक्वल नहीं होगा ऐसा आपको कंडीशन क्यों कि मैंने सपोज दैट हमने यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो कंसिडर करा तो अगर आप यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो ये वाला पार्ट आपका इनफाइनाइट हो जाएगा सो so, आपका ये जो इक्वेशन है दैट विल बी अनडिफाइंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस वन ले लेंगे अगेन व्हाट विल बी द कंडीशन अगर हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस वन लेंगे ये पार्ट आपका जीरो हो जाएगा सो राइट हैंड साइड आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा सो इन दैट सिचुएशन, आपको यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक क्वाडेट इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमें यहाँ पर कंडीशन के बिना दैट हेयर वी कान टेक एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हम इन टू वैल्यू को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं सो so, सिंप्लीफाई करेंगे सो फर्स्ट वी विल टेक द एट लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर एल सी एम ले लेंगे सो दैट कैन बी रिटर्न एज सिक्सटीन माइनस ऑफ एक्स डिवाइड ओवर एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन ओवर एक्स प्लस वन सो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कैन बी रिटर्न एज सिक्सटीन माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे सो दैट कैन बी गिवन एज एक्स का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कम्स आउट सिक्सटीन एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वन का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज़ प्लस ऑफ सिक्सटीन एंड माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स नाओ जो आपका राइट हैंड साइड में फिफ्टीन एक्स है इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे सो दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये सिक्सटीन एक्स है माइनस ऑफ एक्स सो दैट कैन बी रिटर्न एज प्लस ऑफ फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस ऑफ फिफ्टीन एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो ये आपका फिफ्टीन एक्स प्लस का है या माइनस का ये कैंसल आउट हो जाएंगे सो दैट कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्सटीन इज इक्वल टू ज़ीरो सो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो इट कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस ऑफ फोर एंड एक्स प्लस ऑफ फोर इज इक्वल टू ज़ीरो सो यहाँ पर आपके रूट्स आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू फोर दिस वन विल बी फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट विल बी ऑप्टेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर सो इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वाडेटिक इक्वेशन के रूट फाइन कर लेंगे सो फॉर ईच क्वेश्चन बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट सबसे पहले जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम पहले क्वाडिटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे दैन ओनली वी कैन सॉल्व बाई यूजिंग द फैक्ट्राइजेशन मेथड नेक्स्ट वन एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे सो दैट वन इज़ योर लास्ट पार्ट वन ओवर ए प्लस बी वन ओवर ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी प्लस वन ओवर एक्स सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे जो आपको यहाँ पर वन ऑफ ऑन एक्स गिवन है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सो दैट कैन बी गिवन एज वन ओवर ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन ओवर एक्स इज इक्वल टू दैट कम्स आउट वन ओवर ए प्लस ऑफ वन ओवर बी नाउ उसका लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेंगे सो दैट कम्स आउट ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स एंड दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी जो हम इसका एलसीएम लेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज ए टू बी ओवर ऊपर आपका न्यूमरेटर में आएगा बी प्लस ऑफ ए सो वैन वी सिंप्लीफाई इट सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर ए बी सो एक्स आपका कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका होगा ए प्लस ऑफ बी प्लस एक्स इंटू एक्स सो नाओ व्हाट वी विल डू दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड ओवर ए प्लस ऑफ बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड ओवर ए बी सुनाओ अब हम यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कैन भी रिटर्न एज यहाँ पर हम इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं अगर हम इसको यहीं पर कैंसल आउट कर देंगे सो दैट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज ए प्लस ऑफ बी प्लस एक्स इं टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी सो इस माइनस ऑफ ए बी को हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, सो दैट कैन बी रिटर्न एज़ पहले तो हम यहाँ पर एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज एक्स प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो सो दैट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो नाउ यहाँ पर देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे एक्स सो दैट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस ऑफ ए एक्स प्लस ए और यहाँ से दोनों टर्म में आपका यहाँ पर बी कॉमन आ जाएगा सो दैट कैन बी रिटन एज बी कॉमन लेंगे सो दिस इज़ एक्स प्लस ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो सो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म में आपका कॉमन आ रहा है एक्स प्लस ए सो यहाँ से हमने एक्स प्लस ए को कामन ले लिया फर्स्ट टर्म से आपका एक्स रह जाएगा और सेकेंड टर्म से बी सो बेसिकली हमने यहाँ पर इसके फैक्टर फाइंड कर लिए नाओ अगर हम यहाँ पर इसके रूट फाइंड करेंगे सो दैट कैन बी रिटर्न एज एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए दिस वन इज योर फर्स्ट रूट एंड सेकेंड रूट्स कम्स आउट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी सो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके रूट्स ऑप्टेंड कर लेंगे सो so, स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट क्वारिटिक इक्वेश्स को उनके बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं आई विल फोकस ऑन अ बर्ड प्रॉब्लम सो स्टूडेंट्स हेयर बी एब अ बर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर हम एक बर्ड प्रॉब्लम के बने हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड प्रॉब्लम है सो देखिए प्रॉब्लम क्या है आपका वन फोर्थ ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स पास सीन इन द फॉरेस्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स एंड द रिमेनिंग फिफ्टीन कैमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स तो यहाँ पर आपको क्या क्योंवेन है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हैं उसका वन फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पर फॉरेस्ट में देखा गया एंड ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड ड में आपके जितने कैमल्स हैं उसके स्क्वायर रूट का ट्वाइस माउंटेन्स पे गया है और जो आपके रेस्ट रिमेनिंग फिफ्टीन कैमल्स हैं दे आर ऑन बैंक ऑफ अ रिवर सो यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स तो सबसे पहले हम यहां पर डिफाइन करेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर कैमल कितने हैं सो हेयर वी विल लेज लेट टोटल नंबर ऑफ कैमल्स आर एक्स सो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कैमल्स केंज्यूम कर लिया है नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन वी हैव गिवन वन फोर्थ ऑफ अ हार्ड ऑफ कैमल्स बास सीन इन द फॉरेस्ट सो नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन फॉरेस्ट दे आर गिवेन एज एक्स ओवर फोर अगर आपके टोटल नंबर ऑफ कैमल यहाँ पर एक्स हैं तो उसका वन फोर कितना हो जाएगा ऑफकोर्स इट विल बी एक्स बाई फोर सो दैट इज योअर फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन वाट वी ऑफ गिवेन टाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन सो नंबर ऑफ कैमल्स गॉन टू माउंटेन्स सेकंड कंडीशन इज नंबर ऑफ कैमल्स गॉन

सो रिमेनिंग कैमल्स हमारे पास कितने हैं दीज आर फिफ्टीन सो रिमेनिंग कैमल्स ऑन बैंक ऑफ रिवर तो ये आपके कितने यहाँ पर 15 मीन्स अगर हम यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे सो वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स

एट रूट एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू ज़ीरो सो ऑफकोर्स इट कैन बी रिटर्न एज थ्री एक्स माइनस ऑफ एट रूट एक्स माइनस ऑफ सिक्सटी इज इक्वल टू ज़ीरो सो कंडीशन इज दैट जो हमें इक्वेशन ऑप्टेन हुई है दैट इज़ नॉट क्वाडिटिक इक्वेशन तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं हेयर वी कैन एज्यूम लेट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमने यहाँ पर x को वाई स्क्वायर रेज्यूम कर लिया ना इसको हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे दैट कैन बी गिवन एज थ्री वाई स्क्वायर और अंडर रूट एक्स आपका हो जाएगा फोर वाई सो थ्री वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एट वाई माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू ज़ीरो ना अब हमें यहाँ पर एक फॉर्म मिल गया है ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म सो अगेन अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मैथड लगाएंगे तो so, अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर जो वाई स्क्वायर का कोई गिवन है ऑफ कोर्स दैट इज़ थ्री और जो आपका यहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू है दैट इज़ ऑफ माइनस सिक्सटी सो दिस कम्स आउट माइनस ऑफ वन एट्टी सो अब बेसिकली हमें यहाँ पर माइनस एट्टी के टू पार्ट करने हैं टू ऐसे फैक्टर रिक्वायर्ड हैं जिसका सम आपका माइनस एट ऑफ हो जाए सो so, अगर हम यहाँ पर इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर करते हैं जिससे हमें यहाँ पर माइनस वन एट्टी मिलेगा

माइनस एटीन तो टेन और माइनस एटीन का जो मल्टी मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी माइनस वन और अगर हम इसका सम करेंगे सो दैट विल ऑप्टेंट माइनस एट सो यहाँ पर हम इन फैक्टर को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर स्प्लिटिंग द मिडल टर्न सो हेयर वी कैन राइट थ्री वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ एटीन वाई प्लस ऑफ टेन वाई माइनस ऑफ सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो नाउ हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं थ्री वाई सो थ्री वाई अगर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया सो दैट कैन बी रिटर्न एज वाई माइनस ऑफ सिक्स और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे प्लस टेन सो दैट कम्स आउट अगेन वाई माइनस ऑफ सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो सो यहाँ से देखिए दोनों टर्म में आपका वाई माइनस सिक्स कॉमन आ रहा है सो so, यहाँ से हम बाई माइनस सिक्स को कॉमन ले लेंगे सो दैट कैन वी रिटर्न एज वाई माइनस सिक्स दैट इज थ्री वाई प्लस ऑफ टेन इज इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ से अगर हम वाई का वैल्यू ऑप्टेन करेंगे सो फर्स्ट वैल्यू कम्स आउट वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड सेकेंड वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन ओवर थ्री सो हमें यहाँ पर वाई का वैल्यू फाइंड नहीं करना है हमें यहाँ पर ऑप्टेन करना है एक्स का वैल्यू सो हाउ वी कैन ऑप्टेन वैल्यू ऑफ एक्स हम यहाँ पर वाई का वैल्यू यूटिलाइज करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर हमने एज्यूम किया था एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर नाव एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सो अगर हम यहाँ पर वाई इक्वल टू सिक्स फुट करेंगे सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स दैट इज थर्टी सिक्स सो दिस वैल्यू इज for y is equal to 6. Second one is again we will take x is equal to y square for y is equal to minus 10 y 3, so that is minus of 10 y 3 into minus of 10 y 3. So that comes out 100 over 9 and that is for y is equal to माइनस ऑफ टेन ओवर थ्री सो हमें यहाँ पर एक्स की टू वैल्यू ऑप्टेन हो गई वन इज थर्टी सिक्स एंड अदर इज़ हंड्रेड ओवर नाइन बट कंडीशन इज दैट कि हम यहाँ पर एक्स को जो हमने एज्यूम करा था दैट इज़ नंबर ऑफ कैमल सो जो आपका यहाँ पर काउंटिंग है कैमल का दैट कांट बी इन फ्रैक्शन आपका जो काउंटिंग है कैमल का वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है सो वी कैन राइट सेंस नंबर ऑफ कैमल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन हैंस जो आपका नंबर ऑफ कैमल होंगे हैंड्स टोटल नंबर ऑफ कैमल दैट विल बी थर्टी सिक्स टोटल नंबर ऑफ कैमल्स दैट कम्स आउट थर्टी सिक्स सो स्टूडेंट इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी बर्ड प्रॉब्लम को फैक्ट्राइजेशन मैथड का यूज़ करके भी सिंप्लीफ़ाई कर सकते हैं होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल्स और ये बर्ड प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा और इन एग्ज़ाम्पल की हेल्प से हम और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को क्वारिटिक्वेसन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं सो so, स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करेंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे In next video, we will discuss about the next one method that is quadratic formula or discriminant method.